रब हे सस हे करुणा
मेरी अब बिनती सुन लीजे, मेरी अब बिनती सुन लीजे, हे रब हे सस हे करुणा निज, हे रब हे सस हे करुणा निज। और न मांगत हो तुम ते कछ, और न मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हो चित में शास्त्रन सो अत हिरण पीतर, शास्त्रन सो अत हिरण पीतर, जू जू मरो तो साच पति मरो तो साच पतीजे, हे रब हे सस हे करुणा निज, हे रब हे सस हे करुणा संत सहाय सदा जग माए, संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम है बार कृपा कर शारदीज, हे रब हे सस हे करुणा, हे रब हे सस हे करुणा, मेरी अब
विनती सुननी जे मेरी अबे विनती सुननी जे हे रब हे सस हे करुणा मेरी अबे हे रब हे रब हे सस मेरी अब हे रब हे मेरी अब करुणा मेरी हे रब हे सस हे रब हे सस हे करुणा सुन हे रब हे रब हे सस हे करुणा निध हे रब हे सस हे करुणा। शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों च बैठे सत्संगी जनों अज सिख जगत बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह उम्र 7 साल ते 9 साल इन्ने समय दे विच जिंदगी नहीं समझी जा सकती। ਇਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਬਚਪਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰਦਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ। ਨਾਲ ਹੈ ਦਾਦੀ, ਉਮਰ ਕਰੀਬਨ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਲੋਕ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਚਪਨ ਨੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਚਪਨ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਗਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਝਿੜਕ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਡੋਲਦੀ ਹੈ।
गुरु प्यारियो सरदार परमजीत सिंह जी राणा जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा वालों धर्म प्रचार कमेटी बनाई गई उसके उन्होंने चेयरमैन बनाया गया मैं उन्होंने बोलद पहली बार सुनिया है बहुत चंगा बोल रहे सन और बड़ा चंगा सुनेहा दे रहे सन। देखो साल बाद असी इस दिन मनाते हैं साहबजाद याद करते हैं उस तो बाद थोड़े कु दिनों बाद असी सब कुछ भुल जाते हैं। प्रचारकों ने सुनाया असी सुन लिया उस तो बाद सारा साल याद नहीं आना। मैं बेनती करा प्रचारक एक समय को गल तुहानू कहिंदा है वो इस करके नहीं कि उसकी गल जिहड़ी कोई सार्थक हो जाएगी वह तो सिर्फ याद दिलाउंदा है। सिख जद तक आप नहीं इतिहास पढ़ता आप नहीं बाणी पढ़ता मैं हो सकता ये सच कौड़ा होवे असी जिन्नियां गल्लां इमोशनल होकर सुनते हाँ तो करते हाँ प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल। इन्हां दिनां दे विच मैं भी भावुक होकर बहुत सारिया गल्लां करांगा तुसीं भी बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां भावुक होकर सुनोगे पर जदों प्रैक्टिकल की गल आउंदी है करने की गल आउंदी है असी सारे ही फेल हो जावांगे। वक्ती हाँ पिछले समय दे विच पंजाब दे विच सिख सरूप छुपता जा रहा सी हटता जा रहा सी और कुछ समझ नहीं पै रही सी होएगा कि देशां विदेशां दे विचों लांभे आ रहे सन पंजाब सिखी दी जड़ है। वक्त ने मोड़ा खाधा नौजवान वापस मुड़े आए हैं और मैं आपनों ये दसदियां खुशी महसूस करता हाँ कि जदों भी मैं पिंडां विच जांदा हाँ सब सूरत बच्चे मिलते हैं सोहणियां दस्तारां सजाइयां खुले दाड़े देखण च बड़े खूबसूरत लगते हैं एक उम्मीद फिर जागी है। पर फिर भी गुरु प्यारे मैं बेनती करांगा एक असी गल सुन के भावुक होए एक असी कोई सीन देखिया तो भावुक हो गए इन्ने के तो गल नहीं ना बनेगी इन्ने नाल सुनिया देख लिया सही मानियां दे विच जिहड़ी गल तुसी आप पढ़ोगे वो तुहाडे अंदर ज़हन दे विच वसदी जाएगी तुहाडे दिल ते उकरदी जाएगी वो तुहाडे ज़हन विच उकर जाएगी। वो जरा साडा सहम है साडा डर है कि असी किस पासे जा रहे हाँ साडे बच्चे किस पासे जाणगे उन्हां बच्चियां नूं समझाउण वास्ते शायद सानू कोई बहुत लंबा चौड़ा तरदद नहीं करना पएगा क्योंकि बच्चे नूं जिहड़ी गल सी बाहरों जाके सुनाउणी है उस बच्चे ने घरों सीख लैणी। पहली पाठशाला पहला स्कूल तां घर ही है ना जी इस करके मैं पिछले दिनी बेनती कीती सी गुड़गांव गुरुद्वारे विच जे ज़्यादा नहीं तो घट्टो घट गुरु गोबिंद सिंह साहब का जरूर इतिहास पढ़ो साहिब कमाल एक किताब है वो पंजाबी विच भी मिल जाती है हिंदी विच भी मिल जाती है और अंग्रेजी विच भी तुसी जिहड़ी भी भाषा जानते हो उस किताब नू उस विच भाषा विच तुसी पढ़ सकते हो जरूर पढ़ो। लाला दौलत राय ने वो किताब लिखी है वो कट्टड़ आर्या समाजी हैं पर गुरु साहब के
बहुत श्रद्धालु हैं। साहिबे कमाल जिहड़ा नाम है उन्होंने दिता सत्कार वजों कमाल दे साहिब साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह साहब का उन्होंने नाम दिता और किताब का ना ही उन्होंने साहिबे कमाल रखिया। जरूर अपने घर रखो, आप पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, फिर पता लगेगा गुरु गोबिंद सिंह साहब की कितनी वड्डी कुरबानी है। और असी अज सिख अखवाउण दे हकदारी इस करके बने हाँ क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब दीयां शहीदियां कुरबानियां उन्होंने परिवार दीयां कुरबानियां उन्हां दी बदौलत वो सिखी दे महल दे थले नीयां हन। बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह सधारण दीवारां नहीं हन, सिखी दीयां दीवारां हन। इस गल दा ध्यान रखना। मैं अक्सर एक बेनती करता हूं जे जरा भला जे बचपन में देखिए तो बेशक ये गल हो नहीं सकती सी, जे हो जाती जे बच्चे डोल जाते तो साडा की हुंदा, असी अज सिख खवाउण दे हकदार रहिंदे, असी सिख हुंदे बिल्कुल नहीं। इस करके सिख दा जीवन उन्हां बाबयां दी अमानत है। बाबा फतेह सिंह दी, बाबा जोरावर सिंह दी अमानत है। सानू कोई हक नहीं कि असी उस अमानत दे विच किसी तरह की कोई कुताही करिए। सानू कोई हक नहीं कि असी बाबे फतेह सिंह दा, बाबे जोरावर सिंह दा, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दे परिवार दा दिता होया स्वरूप इस दा असी किसी तरह खंडन करिए। पर सानू याद होवे तो ताई गल बनेगी ना जी। जो साढ़े कोल किसी की अमानत पई हो तो असी डरते हाँ कि किसी की अमानत मेरे कोल है कि तो उसका नुकसान ना हो जाए। पर जे भोली जाए कि किसी की अमानत है फिर तो कुछ नहीं ना हो सकता। पर याद रखियो जिसकी अमानत है वह हिसाब मंगेगा कि नानक वाह तो उस ही पैना ना अगे चल के किन्ना चिर इस धरती दे वसनीक रहांगे, किन्ना के दावा कर लवांगे असी लंबे जीवन का। आखिर ते दरगाह विच पुछिया जाना क्या तैं खटिया कहां गवाया, इस सवाल मैनू भी होएगा, इस सवाल तुहानू भी होना, हर जीव नू होना सवाल। तो फरीद साहब कहिंदे कर्म चंगे कर, प्रभु नू याद रख, विरसे नू याद रख, ता कि तेनों मालिक की दरगाह दे विच शर्मिंदा ना होना पवे। मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार जाना पैना ना। इस करके सो गुरु प्यारियो मैं एक बेनती करा, जदों गल छोटे साहिबजादियां दी शहीदी दी आउंदी, माता गुजरी जी दी शहीदी दी गल आउंदी, कीर्तनियां दे पासों शब्द मुक जांदे। मैदाने जंग दे विच लड़न वाले वास्ते असी जूझ मरों की गल कर सकते हाँ, मैदाने जंग विच सूरमियां की लड़ाई की असी गल कर सकते हाँ, योधियां की गल कर सकते हाँ, पर यह तो लड़ाई एक तरफी है, एक तरफी है। अपनी लड़ाई अपना ही फैसला अपना ही इंसाफ। अब कमाल है कि कसूर कोई नहीं, पढ़ के देख लो साहबजादा इतिहास पढ़ के देख लो कसूर की सी जी उन्हों का, सिर्फ इन्ना कि वह गुरु गोबिंद सिंह साहब के लख के जिगर सन, ये तो कोई गल ना ना हुई जी। मासूम जिंदगियां तो कसूर सिर्फ इन्ना कि गुरु गोबिंद सिंह साहब दे वो साहजादे हैं साहबजादे हैं। सजा दी तो कोई गल ही नहीं बनती ना, पर सजा दी गई इस धरती से सब तो वड्डा बेइंसाफ यही है, बेइंसाफी हुई साहबजादे नाल। इस करके साढ़े कोई ऐसा शब्द नहीं जिहड़ा असी गा सकी। इस करके कीर्तनीए जदों भी कीर्तन करते हैं वो लभदे रहिंदे हन कि किहड़ा शब्द गायन करिए।
साड़ी खोज मुक जाती है। हाँ, वार्तक दे विच किसे काव्य रूप दे विच कोई गल की जा सकती है, कविता पढ़ी जा सकती है, गुरबाणी विच शब्द नहीं लभ्या जाता। ठीक है, अडोलता दे प्रमाण दिते जा सकते हैं, बस इन्ना को असीं गा सकते हाँ। वो जोतां, वो इलाही जोत परमात्मा दियां बख्शियां होईयां इस संसार दे विच, अगमी जोतां आईयां मालक दे हुक्म अनुसार, जोत विच जोत जा रली, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग तो समान, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। आओ जी, मैं सिर्फ इन्नी की बेनती करनी सी कि असी जिथे बाणी पढ़ते हाँ, बाणी सानू आत्मक जीवन दिंदी है, बाणी तो बगैर भी असी अधूरे हाँ, सिमरन तो बगैर असी अधूरे हाँ, आत्मक तरक्की नहीं हो सकती बाणी पढ़े बगैर, सिमरन किए बगैर। पर विरसा सानू साड़ी अणख नू जगाउंदा, साड़े जज्बात नू जगाउंदा, जे असी पुरखां दे इतिहास नू भुल गए तो समझ लैना बड़ा सुस्त जीवन चलेगा। बाणी च लिखिया, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करें, बजुर्गां दी जिंदगी दियां कहानियां जिहड़ियां हन वह नेक सपुत्र बनाउंदियां। मैं राणा जी नूं याद करवा रहा सां कि जिथे तुसी इतने दिन मनाउणे हन, उन्होंने एक बड़ी अच्छी गल की जिहड़ी मैनूं बड़ी चंगी लगी, मैं तुहाडे नाल फिर उस नूं दुहरा दिया। असीं गंगू नूं याद करदे हाँ, चंदू नूं जरूर याद करदे हाँ, उन्होंने बुरा किया। गंगू ब्राह्मण कह के असीं उस नूं तरकारदे हाँ, तरकारना भी चाहिए है, उसने कर्म ही ऐसा किया। पर दूजे पासे दीवान टोडरमल नूं भी याद करना चाहिए है, मोती राम नूं भी याद करना चाहिए है, बड़ी वड्डी कुरबानी सी। देखो ना, जिथे ठंडे बुरज दे विच माता गुजरी जी नूं ते साहिबजादियां नूं कैद किया होया सी, आप नूं पता जे नहीं देखिया तो जरूर जाके देखियो, उस रुत दे विच जदों चार चुफेरे जंगल सी, वो जिहड़े बुरज बनया होया उहदे पिछले पासे जब तुसीं जाओगे ना देखोगे तो खाई बनी हुई है, उत्थे पानी छड्डिया जांदा सीगा गर्मियां दे विच तां कि आउण वाली जिहड़ी हवा है वह पानी नूं छू के आवे ते बुरज नूं ठंडा कर दे। गर्मियां वास्ते उस बुरज नूं बनाया गया सी कि गर्मी दे विच ठंडक महसूस होवे। उस बुरज दे विच इस रुत विच अज नालों मौसम वखरा सीगा, उदों कक्कर पैंदा सी, कोहरा पैंदा सी, बरसातां हुंदियां सन इन्हां दिनां दे विच, तो साहबजादियां नूं इस करके उत्थे रखिया गया कि ठंड दे नाल हो सकदा ठंड तों ही डर जाण। इह सज़ा दित्ती गई सी उहनां नूं ठंडे बुरज विच रख के, कदे जा के महसूस करियो उत्थे खड़े नहीं हो सकदे तुसीं, दो मिनट हवा चलती है, ठक्का चलता, वो जी हवा चलती है उस सर्दी की रुत्त बर्फ बन जाती बिल्कुल। अपने बच्चों नूं जरूर दिखा के लियाओ, जिथे असी गर्मियों दियाँ छुट्टियों के बच्चों नूं सैर करवाउण वास्ते दूसरे पहाड़ी इलाकों में जां जिथे भी आपां जाने हाँ, वो भी दिखाओ, कोई बुराई नहीं है, पर बच्चों नूं वो थावां भी दिखा के लैके आओ जिथे साहिबजादियां नूं रखिया गया, जिथे साहिबजादियां नूं दीवारां दे विच चिणिया गया, और जिथे साहिबजादियां नूं ते माता गुजरी जी नूं संस्कार किया गया ज्योति स्वरूप गुरद्वारा। देखण वालियां जगह तुसीं उत्थे जाओगे, महसूस करना कि तुहानूं अज भी जदों तुसीं अंतरात्मा देखोगे तुहानूं दिखाई देवेगा माता गुजरी जी एक पासे बाबा फतेह सिंह नूं, दूसरे पासे बाबा जोरावर सिंह नूं,
गलवकड़ी विच लै के संस्कार दी उस चिखा ते पई नजर आउणगे। बलदी होएगी चिखा दुआले अपना कोई नहीं होएगा। जदों किसी की चिखा बलदी तो सारे दुआले अपने होंदे हन, दूर वाले भी नेड़े आ जांदे हन, कोई रुस्सिया होया भी नेड़े आ जांदा है। इत्थे सारे पराए हन ते दुश्मन हन ते जरूर हसदे होणगे।